हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारे पास अभी एक आईफोन 7 है, डिस्प्ले लाइट के इशू में। इसमें इमेज तो आ रही है लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है, तो इसे हम आज फिक्स करेंगे। इसके लिए हमें डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी और बाकी फॉल्ट फाइंडिंग है। चलिए करते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। और ये हमारे पास जो आया है, ये कहीं कस्टमर ने दिखाया है। इसका क्या है, तभी काट रखा है ये। और बाकी दिखाया हुआ है, ये फ़ोन खुला हुआ फ़ोन है। हमने देखा है इसमें इसकी एनोड लाइन जो है, एनोड PPLCM BL एनोड 9, वो जो है शॉर्ट है। मतलब फुल शॉर्ट नहीं है, लेकिन उसमें उसकी सप्लाई में दिक्कत है, वैल्यू कम बन रही है। क्योंकि मैंने अभी डायग्नोस किया खोलने के बाद इसको, तो दिखाओ ये वाली लाइन में सप्लाई में दिक्कत है। दिखाओ इधर, ये लाइन जो है यहाँ दिक्कत है इसमें। अब ये हमारी बैक बैक साइड में यहाँ जाती है ये, उसके बाद ये सप्लाई हमारी ये लाइट IC में आती है। ठीक है, तो फॉल्ट तो हमने फाइंड कर ही लिया है। बाकी आपको कुछ बताने के लिए दिखा रहे थे। और रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम में लोग कई तरह के यूज़ करते हैं। कोई डोंगल किसी तरह की यूज़ कर रहा है। हमारे पास जो है, हम ZXW का यूज़ करते हैं और पेड है ये, और करते हैं फिक्स इसको। इसको खोल लेते हैं। बोर्ड हमने खोल लिया। ये एक बार ही आपको डिस्प्ले लगा के चेक करा देते हैं। DC से ऑन करके दिखा देते हैं एक बारी। दिखाओ इधर, ये देखिए बोर्ड हमारा ऑन हो गया। ये बोर्ड ऑन हमारा हो गया। और यहाँ दिखाओ मोबाइल में, ये देखिए मोबाइल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए मोबाइल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड हमारा ऑन हो गया। दिखाओ। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, बोर्ड ऑन हो रहा है हमारा, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो आपको बताया था इसके बारे में, PPLCM BL एनोड, ये हमारी सप्लाई जो है इसमें दिक्कत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक बारी देखेंगे चेक करके। इधर दिखाओ, इधर
ये दिखाओ, देखो यहाँ पे ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला कैप जला हुआ है, ये इसके रंग से ही पता चल रहा है। देखिए ये देखिए जला हुआ दिख रहा है वैसे ही। ये देखिए ये जला हुआ है कैप, ये वाला कैप जला हुआ है। इसको हम निकालते हैं, हो सकता है ये डायोड भी शॉर्ट हो इसका। पहले इस कैप को निकालते हैं, उसके बाद ही हम चेक करते हैं। इसकी जो लाइट की सप्लाई है, दिखाओ इधर, ये वाला कैप जो है हमारा, ये वाला बीच वाला 1 2, ये दूसरे नंबर वाला जो कैप है ये हमारा शॉर्ट है। एक बारी हम इसको निकाल के फिर चेक करते हैं सप्लाई। ये जो हमारा कैप आपने देखा, जो इसका रंग बदल चुका था ना, जल गया था ये कैप, इसकी वजह से शॉर्ट हो रहा था। अब एक बारी हम फिर से सप्लाई चेक करेंगे, और अगर हमारी सप्लाई प्रॉपर बन रही होगी तो हम डिस्प्ले लगा के फिर से चेक करेंगे इसको। तो अभी भी सप्लाई नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी हम डिस्प्ले लगा के एक बार चेक करेंगे इसको। बैटरी से देखते हैं एक बारी ऑन करके। बैटरी से भी सेम है,
दोस्तों अभी इसमें सप्लाई जो है यहाँ पे हमें चाहिए होती है। इसकी लाइन में अभी भी शॉर्टिंग है, लीकेज है। एनोड लाइन पे हमें लगभग 0.500 ओम्स की सप्लाई मिलना चाहिए और यहाँ मिल रही है हमें 0.316 316 ओम्स। तो हो सकता है इसका जो डायोड है सिल्वर वाला वो भी शॉर्ट हो, तो एक बारी हम देखते हैं फिर से चेक करके। सिल्वर वाला डायबोर्ड एक बारी हम बदल के देख लेते हैं, इसका सिल्वर डायबोर्ड इसका बदल के देख लेते हैं एक बारी।
डायोड हमने दोनों निकाल दिए, दिखाओ ये और ये हमने निकाल दिए। अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे इसकी। दोस्तों हीट सिंक टेप लगाना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के चारों तरफ, जहां हम काम करना है हमें वहां आसपास अगर हम टेप लगा लेते हैं तो हीट का असर जो है और आईसीओ पे कम रहता है। और अगर हीट सिंक टेप नहीं लगाते हैं तो दूसरी आईसीओ पे हीट लग के और कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़े होने का चांस रहता है काफ़ी हद तक।
तो कोशिश करें कि हीट सिंक टेप लगा के ही काम करें। देखिए दोस्तों, दिखाओ मटेरियल। देखिए दोस्तों, ये अब जो सप्लाई है वो साढ़े 450 के समथिंग बन गई, ठीक है। काफ़ी हद तक सप्लाई बन गई है, बाकी एक बारी हम डिस्प्ले लगा के देख लेते हैं फ़ोन में। डायोड दोनों जो थे वो शॉर्ट थे, जल गए थे, क्योंकि इतना बड़ा कैप जल गया तो जाहिर सी बात है। ये देखिए दोस्तों, लाइट हमारी आ गई। ये देखिए लाइट आ गई हमारी। इसके दोनों डायोड खराब थे, ब्लैक डायोड और सिल्वर डायोड दोनों ही खराब थे इसके, और एक कैप जला हुआ था, तो उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी लाइट की, और उसको हमने डायग्नोस करके सॉल्व कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये देखिए हमारा आईफोन 7 डन हो गया। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो में, और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से तो हम नहीं बना पाते वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सब चीज़ों का कोई चार्ज नहीं लगता है, बाकी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, अलग अलग फॉल्टों को दिखाएंगे सॉल्व करके, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।